morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 11 in your SST book, that is studying the past, जिसमें हम past को study कर रहे हैं, ठीक है? अभी तक हम ancient period के बारे में पढ़ चुके हैं, सारा हमने study किया था ancient period को, हड़प्पन civilization study किया था हमने, है ना? और उस time की जो भी लोग आए थे इंडिया में, किस तरीके से वो settle हुए इंडिया में, है ना? और क्या-क्या जो है उनकी एक्टिविटीज थी, वेदास, रामायण, भारत, ये सब जो है हमने स्टडी किया था एंशिएंट पीरियड में. इस तरीके की चीजें हमने देखी थी, हड़प्पन सील, है ना, और ये सब चीजें ये उसी सिविलाइजेशन की है. मोहनजोदाड़ो के बारे में, हड़प्पन ज्वेलरी के बारे में, ये सब चीजें हमने देखी थी, ठीक है? और हमने क्या देखा था, हमने जो है कुछ किंग्स के बारे में पढ़ा था, कुछ डायनेस्टीज, कुछ राजाओं के और उनके जो टेरिटरीज थी, उनकी जो जहाँ पे वो शासन करते थे उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले जो है ये हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी अलेक्जेंडर की, पोरस की, है ना, कि जहाँ पे अलेक्जेंडर पूछता है पोरस से, जब वो पोरस को बंदी बना लेता है कि मैं आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट करूँ, तो पोरस जवाब देता है कि वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है. तो जिससे खुश होकर वो अलेक्जेंडर उसकी सारी टेरिटरीज को जो भी उससे जीती थी वो सारी उसको रिटर्न कर देता है और उसको फ्री कर देता है. उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आता है इंडिया पे, उसका जो पोता होता है अशोका, उसका ग्रैंडसन जो है एक बहुत ही बड़ा रूलर बनता है. और क्या करता है, जो अशोका होता है उसके समय में जो है मौर्य एम्पायर रीच द हाइट ऑफ ग्लोरी, बहुत ज़्यादा जो है इसका राज्य जो है फ्लरिश होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होता है, ग्रो करता है, ठीक है? उसके बाद इनके बाद कौन आते हैं, गुप्ता मौर्य के बाद गुप्ताज आते हैं. और गुप्ताज का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गोल्डन एज बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री का. किस चीज़ के लिए, ट्रेड, आर्ट एंड कल्चर के लिए, क्योंकि जो गुप्ताज थे उनके टाइम में बहुत ज़्यादा व्यापार में वृद्धि हुई थी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा जो है ग्रो हुआ था, फ्लरिश हुआ था, है ना, अलग अलग जो है. देखो इस तरीके की गुप्ता आर्किटेक्चर की ये एक एग्जांपल है, ये जो पिक्चर है ना, जिसमें इस तरीके की जो है आर्ट एंड कल्चर का एक जो है सिंबल है, जो दिखाता है कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में आर्ट एंड कल्चर जो है किस तरीके का था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने रीड आउट करी थी, स्टडी करी थी, और जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में एंशियंट टाइम के, यानी कि जो सबसे पहला टाइम थे, ये हमारी टाइमलाइन थी ना, एंशियंट, मिडिवल और फिर मॉडर्न. तो एंशियंट टाइम से जो चीज़ें रिलेटेड थी, जो सबसे पहला टाइम पीरियड है जिसमें हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, दिस वन, तो वो हमने कल पढ़ा था. आज जो है हम अपना दूसरा पीरियड स्टार्ट करेंगे, जो रहेगा आपका मिडिवल पीरियड, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ओपन योर एसएसटी बुक, पेज नंबर है आपका 71, पेज नंबर 71, मिडिवल पीरियड. बाय द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी सीई द रूलर्स ऑफ द सेंट्रल एशिया बिकम वेरी पावरफुल. यानी कि 7th सेंचुरी के खत्म होते होते क्या था, जो सेंट्रल एशिया के, इंडिया जो है एशिया का पार्ट है ना, तो जो सेंट्रल एशिया था वहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे, ठीक है? महमूद गजनी एंड मोहम्मद गौरी केम एज रेडर्स एंड लूटेड रिचनेस फ्रॉम अवर कंट्री. अब जो मोहम्मद गजनी था और महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, ये जो है इंडिया में आते हैं रेडर्स के रूप में, यानी कि घुसपैठियों के तौर पे, और भारत की जो रिचनेस थी उसको जो है लूटने के लिए, ठीक है, कि भारत बहुत अमीर देश है, चलो हम जाके भारत को जो है लूटते हैं. तो इस पर्पस से ये दोनों इंडिया में आते हैं. इन 1206 CE कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया का रूलर कौन बनता है 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक. ही फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत. और वो किसकी स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है. ही वॉज फॉलोड बाय इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड बलबन. अब इसके बाद कौन कौन दिल्ली को जो है, दिल्ली सल्तनत को जो संभालते हैं या रूल करते हैं नॉर्थ इंडिया पे, सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके बाद आता है इल्तुतमिश, इसके बाद आती है रजिया सुल्तान,
और फिर आता है बलबन, ठीक है। तो ये सारे बारी बारी से जो है नॉर्थ इंडिया पे जो है रूल करते हैं, और दिल्ली इनकी कैपिटल होती है, जिसको क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, ठीक है। व्हेन द दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन, जब दिल्ली सल्तनत गिरने लगती है, यानी कि धीरे धीरे उनकी पावर कम होने लगती है जो रूलर्स थे, नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स। तो नॉर्थ इंडिया जो है, जब पूरा एक दिल्ली सल्तनत जो कि एक राजा के कंट्रोल में था, जब वो उस राजा की पावर कम होने लगती है, तो क्या होता है, जो नॉर्थ इंडिया था वो छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगता है, यानी कि हर जगह का जो राजा है अलग अलग बन जाता है, ठीक है। छोटे छोटे एरिया में अलग अलग राजा जो है अपना अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो एक राजा नहीं रहता बल्कि छोटी छोटी कई किंगडम्स बन जाती हैं, ठीक है। लेटर बाबर केम टू इंडिया इन 1526 CE। बाद में क्या होता है, 1526 में जो है बाबर इंडिया में आता है, ठीक है, एंड मेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। वो किसकी स्थापना करता है, वो करता है मुगल रूल्स की। मुगल कौन थे, मुगल को रूल को जो है बाबर इंडिया में लेके आया था, 1526 में बाबर इंडिया में आता है, और बाबर के आने के साथ ही जो मुगल रूल है वो इंडिया में शुरू होता है, ठीक है, ठीक है ना। आफ्टर बाबर हुमायूं बिकेम द मुगल एम्परर। बाबर के बाद कौन बनता है मुगल एम्परर, मुगल मतलब कौन, मुगल यही लोग थे, ठीक है। तो ये जब यहाँ के अपने राज्य को स्थापित करते हैं, तो इनके राज्य को क्या कहा जाता है, मुगल एम्पायर, ठीक है। तो सबसे पहला मुगल एम्परर था बाबर, बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं जो है बाबर के बाद मुगल एम्परर यानी कि मुगल शासक बनता है। एम्परर कौन होता है, जो शासक होता है, जो राज करता है, ठीक है। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन अकबर इन 1556 CE। अब हुमायूं के बाद कौन शासक बनता है, अगला कौन रूलर बनता है, हुमायूं का बेटा जिसका नाम होता है अकबर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, बाबर, बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन राजपद करता है, कौन शासक बनता है, अकबर, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये मुगल रूलर्स थे, ठीक है, और ये जो है इंडिया पे रूल करते हैं। अकबर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मुगल रूलर। अब इन सारे मुगल रूलर्स में से जो है अकबर सबसे सक्सेसफुल होता है, सबसे कामयाब रूलर होता है, ठीक है, क्लियर। ही कॉन्कर्ड अ नंबर ऑफ किंगडम्स, कॉन्कर्ड मतलब जीतना। तो वो क्या करता है अकबर, क्यों सक्सेसफुल होता है वो, क्योंकि इसने बहुत सारे जो किंगडम्स यानी कि राज्य हैं इनको जीता था, ठीक है। अकबर ने बहुत सारे राज्यों को जो है कॉन्करर किया था, यानी कि जीता था, एंड ब्रॉट अ ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल, और उसने इंडिया के बहुत बड़े भाग को अपने कंट्रोल में ले लिया था, यानी कि एक छोटा सा राजा बन के नहीं रहा था, इसने क्या करा था, हम बोल रहे हैं ना कि ये सबसे जितने भी मुगल एम्परर्स थे उनमें सबसे सक्सेसफुल अकबर था। तो इसने क्या किया था, जितने भी और रूलर्स थे बाकी के, उनके किंगडम को, उनके राज्य को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था, और ऐसे करते करते धीरे धीरे इसने पूरे इंडिया का एक बहुत बड़ा भाग जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था, और ये बहुत पावरफुल बन गया था, ठीक है। आफ्टर हिम केम जहांगीर एंड शाहजहां। अब उसके बाद कौन राज जो शासक बनता है मुगल एम्परर, उसके बाद बनते हैं जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, ठीक है। अब हमने शुरू किससे किया था, सबसे पहले थे बाबर, फिर हुमायूं, फिर होता है अकबर, उसके बाद जहांगीर, और फिर शाहजहां, क्लियर है। उसके बाद कौन बनता है रूलर, शाहजहां। शाहजहां बिल्ट द फेमस मॉन्यूमेंट द ताजमहल एट आगरा। शाहजहां ने क्या बनाया था, जो बहुत ही फेमस एक मॉन्यूमेंट है, एक बहुत ही सुंदर एक जो है कलाकृति है, मॉन्यूमेंट है, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसको कि बहुत, जो कि बहुत फेमस है, जिसको लोग जाके देखते हैं, उसका नाम है ताजमहल। ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में। तो ताजमहल को किसने बनवाया, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। अब आपको पता चला ना, सबसे पहले बाबर जो है मुगल रूलर था, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और फिर शाहजहां आया, और शाहजहां ने ही क्या बनवाया, आपका ताजमहल बनवाया। ताजमहल कहाँ पे है, ताजमहल है आपका आगरा में, ठीक है, याद रखेंगे इसको।
ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन औरंगजेब। अब इसके सक्सीडेड का मतलब है इसके बाद जो है इसका बेटा औरंगजेब जो है अगला शासक बनता है। ठीक है, द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, यानी कि औरंगजेब जो है सबसे आखिरी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल वंश का। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो भी आए वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, तो औरंगजेब जो है वो लास्ट मुगल रूलर था जो कि इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो शुरू करा, याद रखेंगे इनके नाम को, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है, आफ्टर हिम द लेटर मुगल्स लॉस्ट देयर पावर ग्रेजुअली। इसके बाद क्या हुआ था, जो इसके बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए वो धीरे धीरे वो अपनी पावर को खोते गए, यानी कि वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि ये सारे रूलर्स थे जिनके नाम अभी हमने पढ़े, चाहे वो अकबर था, चाहे वो आपका औरंगजेब था जो कि लास्ट एम्परर था। ठीक है, तो ये सब तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन इनके बाद जितने भी मुगल रूलर्स जिन्होंने रूल किया वो आए वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, धीरे धीरे उनका जो राज्य था, उनकी जो एम्पायर थी वो धीरे धीरे जो है दूसरे राज्यों के पास चली गई और वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे, तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उनके पावर जो है ख़त्म होती गई। अराउंड दिस टाइम इन 18th सेंचुरी अदर रूलर्स सच एज द राजपूत, द मराठास, द सिख्स एंड द स्टेट ऑफ मैसूर बिकेम पावरफुल। अब हम देखते हैं कि पहले तो क्या था, जो ये मुगल्स थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन हमने बोला ना औरंगजेब के बाद जो है इतने ज़्यादा पावरफुल रूलर्स नहीं रहे। अब पावरफुल ये लोग नहीं थे तो कौन थे इस टाइम में, यानी कि औरंगजेब के बाद का जो टाइम था उस टाइम में कौन कौन से जो दूसरे रूलर्स थे वो कौन कौन से पावर में आ रहे थे। पहले तो राजपूत आ रहे थे, ठीक है, मुगल्स के अलावा जो है ये राजपूत या फिर मराठा या सिख या फिर जो स्टेट ऑफ मैसूर थी वो जो है पावरफुल बनती जा रही थी। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि जब सबसे पहले मोहम्मद गजनी आता है, महमूद गौरी आते हैं मिडिवल पीरियड में, है ना, भारत को लूटने के लिए, और जो है भारत की जो रिचनेस होती है उसको लूटने के लिए इंडिया में आते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो नॉर्थ इंडिया का रूलर बनता है और दिल्ली सल्तनत का निर्माण करता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो नॉर्थ इंडिया का रूलर बनता है। ही फाउंडेड दिल्ली सल्तनत, वो किसकी स्थापना करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। और उसके बाद कौन बनता है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये लोग रूल करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत गिरने लगती है, उसकी पावर कम होने लगती है, तो फिर नॉर्थ इंडिया जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, बाबर इंडिया में आता है। जब बाबर इंडिया में आता है तो वो क्या इस्टेब्लिश करता है, यहाँ पे मुगल रूल की स्थापना करता है, मुगल्स का जो है राज होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, जब मुगल्स का पीरियड स्टार्ट होता है तो फिर क्या होता है, सबसे पहले बाबर इंडिया को रूल करता है। बाबर के आने से जो है मुगल एम्पायर की इंडिया में शुरुआत होती है। फिर हुमायूं जो उसका बेटा होता है वो मुगल एम्परर बनता है। इसके बाद उसका बेटा अकबर जो है वो 1556 में जो है इंडिया को रूल करता है, और सबसे सक्सेसफुल मुगल रूलर कौन था, अकबर ही था। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया था, इंडिया के बहुत बड़े भाग को कैप्चर कर लिया था, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लिया था, इसलिए जितने भी मुगल रूलर्स हुए उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल अकबर ही था। अकबर के बाद कौन आता है, कौन रूल करता है, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, कि शाहजहां ने ही जो आपका आगरा का जो ताजमहल है उसका निर्माण किया था, उसको बनवाया था। ठीक है, जिसको देखने आज भी लोग दूर दूर से विदेशों से भी लोग आते हैं। ठीक है, और शाहजहां के बाद जो उसका बेटा होता है औरंगजेब, वो ही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट एम्परर बनता है, यानी कि औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं रह पाते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो पावर होती है मुगल्स की वो कम होने लगती है।
तो उस टाइम पे यानी कि 18th सेंचुरी में दूसरे जो रूलर्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल होने लगते हैं, जैसे कि राजपूत हुए, मराठास हुए, सिख हुए, स्टेट ऑफ मैसूर हुई। तो जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लगती है तो धीरे धीरे ये लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मिडिवल पीरियड। मॉडर्न पीरियड हमने पढ़ा पिछली क्लास में और आज हमने कंप्लीट किया आपका मिडिवल पीरियड। ठीक है, ठीक है, जिसमें हमने इन सारे रूलर्स के बारे में, जिसमें कि आपके ये जो मुगल एम्परर्स हैं ये भी आ गए, इन सब के बारे में स्टडी किया। आपको इनके नाम जो है सीक्वेंस में लर्न करने हैं, ठीक है, जितने भी मुगल एम्परर्स थे। ठीक है, बार बार मैंने आपको रिपीट इसीलिए करवाया है कि आपको इनके नाम याद हो जाए कि पहले कौन सा मुगल रूलर था, उसके बाद कौन सा मुगल रूलर आया। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड रह गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।